हेलो स्टूडेंट्स, एसपीपीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं फर्स्ट पेपर शुरू करूंगा। फर्स्ट पेपर में जो सबसे पहले अपन एलजेब्रा शुरू करेंगे, और जबकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आप नौकार पब्लिकेशन की बुक या प्रगति प्रकाशन की जो बुक आती है वो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में समझाऊंगा, एक दो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में समझाऊंगा, ताकि आपका ये रिकैप हो जाए, ताकि अपन जब सिलेबस शुरू करें तब आपको दिक्कत नहीं हो। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैट्रिक्स सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपनी क्लासरूम की जो सीटिंग होती है, क्लासरूम में जब आप बैठते हैं तो आप कैसे बैठते हैं, ये रो और ये कॉलम वाइज बैठते हैं। तो ये जो आपका जो अरेंजमेंट होता है इस टाइप का, ये अरेंजमेंट कैसा हुआ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ, आयताकार विन्यास हुआ। तो ये जो आयताकार विन्यास है, ये आयताकार विन्यास ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और जिससे मैट्रिक्स बनी है, जिससे ये विन्यास बना है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुई, द रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव। तो अवयव का जो आयताकार विन्यास होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम क्या होता है, मैट्रिक्स किससे मिलकर बनी है, रो और कॉलम वाइज बनी है। तो ऐसे ही जो अरेंजमेंट है वो हमारा क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। देखिए कैसे मैं मैथमेटिकली समझ जाता हूँ। मैट्रिक्स है, इसको मैं एम से लिखता हूँ, और ये मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और A11, A12 और A1J A1N और A22 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 A2J और A2N। ऐसे ये रो चलती जाएगी, ये I0 I1 I2 IJ और आई एन। इसी प्रकार ये कंटिन्यू रो चलती जाएगी, जो लास्ट रो होगी वो M1, ये एलिमेंट M2 और ये MJ, और इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो MN। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी ज्यादा एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के क्या है, अवयव कहलाते हैं। जैसे ये अवयव, ये अवयव, ये अवयव, ये आपने पढ़ चुके हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज लाइन है, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी। आप देख रहे हो कि ये जो देखो फर्स्ट लाइन है, तो पहला नंबर है ना, ये इंडिसेस लिखा हुआ है। तो ये 1111 ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पहली रो को कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, R1 लिख देता हूँ। ये देखिए सेकंड लाइन देखिए, इसका पहला अक्षर क्या है, 22। तो ये अपने R2, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। इस प्रकार ये देखो ऐसे रो चलती रहेगी, ये आई है तो ये आई रो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आई रो, यानी आई मी पंक्ति। इस प्रकार ये रो चलती जाएगी, और ये लास्ट है तो ये हो जाएगा आपका एम रो। इसी प्रकार जो वर्टिकल लाइन होती है, ये आपका कॉलम कहलाता है। तो कॉलम सेकेंड नंबर है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका क्या हुआ, कॉलम वन, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ C1, ये C2, ये जेड कॉलम, ये जो कॉलम है देखिए सेकेंड नंबर जे है, तो जेड कॉलम, J कॉलम। और लास्ट नंबर N, तो ये हो जाएगा एंड कॉलम, एंड कॉलम। इस प्रकार ये मैट्रिक्स बनी, और ये एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। अब ये एड्रेस है एक तरह से मैट्रिक्स का, इसको पढ़ते कैसे, A11, यानी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये क्या हुआ, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। इस प्रकार फर्स्ट रो का एंड कॉलम, इस प्रकार के इसके एड्रेस के मैट्रिक्स के। ये आई रो जी, ये आप देख रहे हो, ये आपका जनरल एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जनरल एलिमेंट कहलाता है, जनरल एलिमेंट कहलाता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसके जनरल एलिमेंट को, जैसे मैट्रिक्स एम है उसके जनरल एलिमेंट को क्या लिखेंगे, ए आई जी। तो आई जो होगा वो क्या बताता है, रो को बताता है, और जे है ये कॉलम को बताता है। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, और इसके एलिमेंट को ए आई जे, ये आईथ रो और जेथ कॉलम, ये
मैट्रिक्स के एलिमेंट। अगर बी मैट्रिक्स आप लोग लें तो उसके एलिमेंट को स्मॉल बी से लिख देते हैं, ये इसके लिए क्या होगा जनरल एलिमेंट। अब देखिए जितने कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें जितने रो हो और कॉलम हो तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ये एम रो है और एन है, तो एम इंटू एन इसका क्या हुआ ऑर्डर हुआ। जैसे ए मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर को क्या लिखेंगे एम इंटू एन, इसका मतलब क्या हुआ देखिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है और एम जो पहला नंबर है वो किसको बताता है रो को बताता है। तो ये रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितनी है एम, और नंबर ऑफ सेकेंड नंबर किसको बताता है कॉलम को, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने एम, तो ये इसका ऑर्डर हुआ। जैसे अगर मैं बी मैट्रिक्स लूँ 2×3 ऑर्डर का है, इसका मतलब क्या हुआ एक बी मैट्रिक्स है इसमें दो तो कॉलम है और तीन क्या है सॉरी दो तो रो है और तीन क्या है कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हुआ। तो इस प्रकार मैट्रिक्स हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझाऊंगा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मैट्रिक्स का निर्माण करना बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ऑपरेशन, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये अपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक दो वीडियो लेक्चर मैं आपके डिटरमिनेंट के बारे में समझा दूंगा और उसके बाद में अपन सिलेबस शुरू करेंगे। थैंक यू।